बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके सामने इंग्लैंड की बहुत ही मशहूर डिश चिप पुडी बना रही हूँ। इसको बनाना आसान है लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगता है। आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमें मेन चीज़ आलू चाहिए। आलू आप अपनी मर्ज़ी से जितने मर्ज़ी ले सकते हैं। सबसे पहले बर्फ़ वाला ठंडा पानी लेके उसमें कटे हुए आलू डाल दें और इन्हें 10 मिनट के लिए इन्हें ठंडा होने दें। एक बाउल लें, उसमें उबलता हुआ पानी लें यानी शदीद गर्म पानी लेके अब ठंडे पानी से आलुओं को निकालें और गर्म पानी में तकरीबन 10 मिनट के लिए रख दें। 10 मिनट गुजरने के बाद एक कपड़े पे या एक तौलिए की मदद से इन्हें खुश करें। अच्छी तरह फैला के किचन टॉवल या आम कपड़े की मदद से इसे अच्छी तरह खुश कर लें। ये ज़्यादा मकदार में एक साथ नहीं तलते, इसलिए मैंने थोड़े थोड़े करके तलूँगी। पैन में तकरीबन 1 लीटर मैंने तेल डाला। पहले इसे चेक किया, ये गर्म है। अब 20 सेकंड के लिए इन्हें फ्राई कर लें। अभी रहें 10 मिनट के लिए फ्रीजर में रख के ठंडा करें और दोबारा गर्म ऑयल में इन्हें तल लें। अब जितना गोल्डन ब्राउन आपको चाहिए दूसरी दफ़ा तलते वक्त आप उतना गोल्डन ब्राउन इसमें करें। इस दफ़ा भी खुले पैन में थोड़े थोड़े डाल के आपने तल लें। जब आपकी मर्ज़ी का गोल्डन कलर आ जाए तो आप इन्हें डिश आउट कर लें। अच्छा सा गोल्डन हो गया, अब इन्हें बाहर निकालें। मज़ेदार क्रिस्पी चिप्स तैयार हो चुके हैं। इसी तरह तमाम चिप्सों को तैयार कर लें जितनी आपको ज़रूरत है। चिप रोटी में मेन चीज़ चिप्स होते हैं। एक बन को थोड़ा सा तवे पे फ्राई करें दोनों साइड से। चिप्स रखें, थोड़ा सा सिरका डालें, मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ। और ढेर सारा केचप डालें। मज़ेदार चिप पुटी तैयार है। एक और बन पे मेयोनीज लगाएं। ढेर सारे चिप्स रखें और मेल्टेड चीज़ इसे बंद कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही बेहतरीन चिप पुटी तैयार हुई है। आपने अगर फ्रीज़ करने हैं तो एक दफ़ा फ्राई करने के बाद इन्हें ठंडा होने दें। जब अच्छी तरह ठंडे हो जाएं, तो इन्हें एयर टाइट कंटेनर में डालकर आप इन्हें फ्रीज़ करें और जब ज़रूरत हो इन्हें एक दफ़ा और फ्राई कर लें। यकीनन आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। चिप पुटी जो है वो बरतानिया में बहुत पसंद की जाती है। बच्चे और बड़े इन्हें बहुत ही शौक से खाते हैं। आप भी इन्हें घर पर ट्राई करें, यकीनन ये आपको बहुत पसंद आएगी। दुआ में मुझे याद रखें और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।